बहुत सारे लोग आज भी ये सोचते हैं कि रामायण एक काल्पनिक गाथा है, लेकिन रिसर्चर्स को कुछ ऐसे सबूत मिल रहे हैं जो दर्शाते हैं कि रामायण अतीत में सच में हुआ था। दोस्तों, वाल्मीकि जी के द्वारा लिखी गई रामायण दुनिया की सबसे प्राचीन गाथाओं में से एक है। इसमें पृथ्वी के अतीत में पाए जाने वाले बहुत सारे प्राणी और वृक्षों के बारे में वर्णना किया गया है। जैसे कि वाल्मीकि रामायण में हमें चार दांतों वाले हाथी के विषय में भी जानने को मिलता है, जिन्हें गोमपोथियर कहा जाता था, और उनके कंकाल रिसर्चर्स को मिल चुके हैं। परंतु एक ऐसी रिसर्च 3 साल तक हुई थी जो पूरी तरह से साबित करती है कि रामायण वास्तव में हुआ था। चेन्नई के CPR एनवायरमेंटल एजुकेशन सेंटर ने 3 साल तक वाल्मीकि जी के द्वारा वर्णित जगहों की अध्ययन की और पाया कि पूरे भारतीय उपमहादेश में उन्होंने जितने भी जगहों की वर्णना की है वो एकदम सही है। आज भी वो पेड़ पौधे और जीव जंतु उन जगहों पर पाए जाते हैं।